हर गर्भवती महिला यह चाहती है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ, तंदुरुस्त, बुद्धिमान, गोरा एवं सुंदर हो, और इसके लिए डिलीवरी के बाद नहीं, गर्भ में शिशु के आने से ही महिला उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है, क्योंकि हर गर्भवती महिला द्वारा किया गया हर काम प्रेगनेंसी के दौरान शिशु को भी प्रभावित करता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं जो भी चीज़ खाती है उसके पोषक उनके होने वाले शिशु तक पहुंच रहा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जो भी चीज़ सोचती है, जैसे वातावरण में रहती है, उसका सीधा सीधा असर उनके शिशु पर भी पड़ रहा होता है। तो दोस्तों, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप गर्भ में पल रहे शिशु को गोरा, सुंदर एवं स्वस्थ बना सकती है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो को। पहला टिप्स है फ्रेंड्स, शिशु को गोरा एवं सुंदर रखने के लिए आपको खान पान की विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेहतर खान पान न केवल महिला को स्वस्थ रखने में मदद करता है, बल्कि इससे गर्भ में पल रहे भ्रूण के संपूर्ण विकास में भी मदद मिलता है। और आपके द्वारा लिया गया आहार शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास को मजबूत करता है, और साथ ही शिशु की स्किन को भी पोषण पहुंचाने में भी मदद करता है, जिससे आपके शिशु के रंगत निखारने में मदद करता है। ऐसे में शिशु के चेहरे को निखारने के लिए प्रेग्नेंट महिला को अपने खान पान की अच्छे से सेवन करनी चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला को संतरे का सेवन करनी चाहिए। संतरे में मौजूद विटामिन सी शिशु के स्किन में निखार लाने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे नारियल का भी सेवन करने से शिशु की रंगत में निखार आता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम मौजूद होता है जो त्वचा में मेलेनिन में मिलकर स्किन को निखारने में मदद करता है। दोस्तों, हरी सब्जियों का सेवन भी प्रेग्नेंट महिला को जरूर करनी चाहिए, इससे शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है, और शिशु में रक्त संचार बेहतर तरीके से होने से शिशु को स्वस्थ एवं सुंदर रखने में मदद मिलती है। गाजर, चुकंदर जैसी सब्जियों का सेवन करने से भी शिशु स्वस्थ एवं गोरा एवं सुंदर होता है। दूसरा टिप्स है फ्रेंड, प्रेगनेंसी के दौरान योगासन। गर्भावस्था के दौरान योगासन, मेडिटेशन आदि करने से गर्भवती महिला अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। साथ ही इसका असर भ्रूण पर भी पड़ता है, क्योंकि इससे शिशु का पोषक तत्व व ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होता है, और ऐसा करने से न केवल शिशु का विकास अच्छे से होता है, बल्कि शिशु को गोरा एवं सुंदर बनाने में भी मदद मिलती है। तीसरा टिप्स है फ्रेंड, प्रेगनेंसी के दौरान रहन सहन का खास ध्यान। गर्भावस्था के दौरान महिला किस तरह अपने आप का भी ध्यान रखती है, यह भी शिशु को प्रभावित करता है। यदि आप खुश रहती है, अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखती है, पानी भरपूर पीती है, भरपूर आराम करती है, खाने में लापरवाही नहीं करती है इत्यादि, तो इससे भ्रूण के शारीरिक विकास को बेहतर होने के साथ साथ शिशु के स्किन को भी निखारने में मदद मिलता है। चौथा टिप्स है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान वॉकिंग करना यानी घूमना फिरना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, ऐसा करने से न केवल आपको खुशी मिलती है, बल्कि आपको रिलैक्स और फ्रेश होने के साथ बॉडी की सभी क्रियाएं को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। इसे शिशु के शारीरिक विकास के साथ शिशु की स्किन को पोषित करने में भी मदद मिलती है। पांचवा टिप्स है फ्रेंड, प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली दवाइयाँ। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी दवाइयाँ आपको डॉक्टर द्वारा बताई जाती है, उसका सही समय और नियमित रूप से सेवन करने से भी भ्रूण के विकास को सही तरीके से होने में मदद मिलती है,
और शिशु को आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मिलता है, जिससे शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छे से हो पाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।